नमस्कार फ्रेंड्स, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है 25वां। शुरुआत कहां से हुई थी? पोखरण से, जब हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी और परमाणु का परीक्षण किया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। आज मैं जिस स्टोन के सामने खड़ा हूं, वो स्टोन उस वक्त की है कि जब सी राजगोपालचारी भारत आजाद भारत से पहले जब इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट बनी थी, उसमें सी राजगोपालचारी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड आर्ट्स हुआ करते थे और वो द नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के भी करता धरता थे। और उन्होंने आज उस समय फाउंडेशन स्टोन डाला था और ये वक्त है 21 नवंबर 1946 का। 21 नवंबर 1946 एक ऐतिहासिक दिन जब एनएमएल का, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी का फाउंडेशन स्टोन डाला गया। मैं ये बात बताते हुए गौरव महसूस कर रहा हूं कि मेरे उन पुरोधाओं में, मेरे तत्कालीन उन राजनेताओं में, मेरे उस तत्कालीन वैज्ञानिकों में और भारतवासियों में कितनी बड़ी भाव रही होगी साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी का। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत के रग रग में है, कण कण में है। वाजपेयी जी ने उसमें एक और ईंट जोड़ी और उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया। एपीजे कलाम ने एक और ईंट जोड़ी, उन्होंने भारत को सैटेलाइट एनर्जी में पूरे विश्व में नंबर वन कर दिया। और आज जिस इतिहास के सामने मैं खड़ा हूं, वो इतिहास अपने आप में बताता है कि भारत आजादी से पहले भी, जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो किसी एक का नहीं, सबों का योगदान उसके साइंटिफिक तरक्की में किया जाएगा। तो आज जो विश्व तकनीक, भारतीय तकनीक दिवस है, जो इंडियन टेक्नोलॉजी डे है, इंडियन टेक्नोलॉजी डे, हम वाजपेयी जी को, सी राजगोपालचारी को, जो हमारे पुरोधा है एनएमएल, और हमारे सीएसआईआर का वो फाउंडेशन स्टोन डला और आज हजारों रिसर्च हुए और भारत और भारत के डेवलपमेंट में उनका योगदान है। तो आज उन सब पुरोधाओं को, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री निवर्तमान और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजगोपालचारी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड आर्ट एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट्स, और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री, इन सबों को सत सत नमन और सत सत बधाई, क्योंकि उन लोगों ने वो स्टोन डाला जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यहां से शुरुआत होती है और आज हिंदुस्तान विश्व में तकनीक को एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारी भारत की गौरव बढ़ती जा रही है। ये कथा शुरुआत यहीं से होती है। आज ये इतिहास है और हम वर्तमान में खड़े हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।